वेलकम टू माई चैनल मेक एजुकेशन ईजी। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 4 हाइड्रोकार्बन चल रहा था और हम अल्कीन्स पे पहुंचे थे। अल्कीन्स की प्रेपरेशन के हमने स्टेप्स कर लिए थे, मेथड हो गए थे दोनों। आज हम पहुंचे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। सबसे पहले मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताती हूँ, जो हमें ऑलरेडी पता है। अल्कीन्स, आपको पता है कि अल्कीन्स हमारे पास बनाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्कीन्स हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाते थे और अल्कीन्स हमारे पास डबल बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इनके डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इनको हमने नेम दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाते थे तो उनको हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा था। ये हमारे पास डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नेम दिया है, ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास अल्केन्स कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक है, यानी इथीन, ठीक है, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये हमारे पास जो आते हैं, ये कार्बन नंबर 1 से 4 तक, ये हमारे पास जो है वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये सब गैसेस होती हैं। उसके बाद 5 से, ठीक है, 15 तक नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लिक्विड होती हैं। 5 से सोन आपको पता है पेंटेन, हेक्सीन, हेप्टीन, डीकेन, नोनीन, सब हमारे पास जो है वो लिक्विड स्टेट तक, 15 तक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और आगे जितने हायर मेंबर हैं, यानी कि 15 से ऑनवर्ड, वो हमारे पास जो है वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी 15 से ऑनवर्ड हमारे पास जो है वो गैस सॉलिड्स में होते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 1 से 4 तक हमारे पास जो है वो गैसेस, 5 टू 15 लिक्विड्स, और हायर मेंबर 15 से आगे जितने भी हैं वो सब जो है हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि अल्कीन्स जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है, आयन अपनी आगे से आयंस में नहीं जाते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट जितने हमारे पास जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास अल्कीन्स सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास अल्कीन्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास अल्कोहल्स आ जाते हैं, ठीक है, आगे से अल्कोहल्स की इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, जितने भी टाइप्स हैं वो सब हमारे पास अल्कोहल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ सकते हैं। यानी अल्कीन्स को हम अल्कोहल्स के साथ सिंपल वे में रिएक्ट करवा सकते हैं, वो सॉल्युबल हैं आपस में, ठीक है। उसके अलावा अब जो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सबसे पहली है वो है रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद KMnO4। तो आज हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन्स का आपको पता है, हैलोजन्स में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, कोई भी अल्कीन लेना है, चाहे आप इथीन लें, प्रोपीन लें, कोई भी अल्कीन लेना है और उसको आपने हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करवाना है। हैलोजन भी हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम फ्लोरीन लें, क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन लें। लेकिन एक और बात मैं आपको बता चलूँ कि जितने भी हैलोजन्स हैं वो कभी भी हमारे पास इस तरह एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी फ्लोरीन कभी भी एफ की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि हमेशा F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, Br2 और I2 की फॉर्म में, हमेशा रिएक्शन में ये हमारे पास इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। एग्जांपल, मैं सबसे पहले जो लिख रही हूँ अल्कीन, वो मैं ले रही हूँ इथीन, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया अल्कीन, ठीक है। अल्कीन को किससे रिएक्ट करवाना है, अल्कीन को हमने रिएक्ट करवाना है हैलोजन से। हैलोजन मैं ले रही हूँ क्लोरीन, और मैंने आपको बताया है कि ये डबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे Cl2, और यहाँ पे मैं ओपन फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि रिएक्शन आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, अब हमने इसका किस तरीके से रिएक्शन कराना है। 1 जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन, उसको हम अटैच करेंगे एक कार्बन के साथ, और दूसरे क्लोरीन को अटैच करेंगे दूसरे कार्बन के साथ। मतलब जो फर्स्ट क्लोरीन है उसको फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, और सेकंड क्लोरीन को सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ
कि हमारे पास कार्बन के साथ, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और दो जो उसने बनाए हुए हैं वो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, क्योंकि एक कार्बन फोर बॉन्ड बना सकता है तो दो हाइड्रोजन है तो इसलिए दो डबल बॉन्ड बनाने हैं। सिमिलरली जहाँ भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है तो एक बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तो उसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे कार्बन के साथ एक क्लोरीन भी अटैच कर देना है, दो हाइड्रोजन तो अटैच हैं, दो बॉन्ड हो गए, एक जब हम जहाँ पे क्लोरीन अटैच करेंगे तो तीसरा बॉन्ड, तो जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड हट जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास तब हमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड चाहिए होगा और क्लोरीन को हम जहाँ पे पुट कर देंगे तो दो हाइड्रोजन एज इट इज़ मैंने पुट की और साथ इसके मैंने पुट कर दिया क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि पुट किया है तो अब जहाँ पे इसके कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए, जहाँ पे सिर्फ वन बॉन्ड आएगा जो वो नेक्स्ट कार्बन से बनाएगा, नेक्स्ट कार्बन में भी हमारे पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन पहले पुट कर देंगे क्योंकि अभी तक इसकी 1, 2, 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड इसका और खाली है, तो सेकंड क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन के साथ हमने अटैच कर दिया। तो बिल्कुल ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा मेथड था, कोई इसमें डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंपल आप लोगों ने इस तरीके से जो है कोई भी, अब यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है, आप फ्लोरीन ले सकते हैं, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, कोई भी जो है हैलोजन हम ले सकते हैं, और जो इस टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसमें हम एक एटम को फर्स्ट कार्बन के साथ और दूसरे एटम को सेकंड कार्बन के साथ अटैच करते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन रिएक्शन। इस किस्म के सारे रिएक्शन हमारे पास जो हमने ये रिएक्शन किया है उन रिएक्शन को हम कहते हैं, सच रिएक्शंस आर द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम इसको ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, इथीन होगी। एक और बात, जो हमारे पास अल्कीन होता है या इथीन होता है वो हमारे पास होती है ये कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होती है हमारे पास, और जो आगे से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो भी हमारे पास प्रोडक्ट भी जो फॉर्म होता है वो भी हमारे पास कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये भी ज़रा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी आपने ज़हन में रखना है, और ये पॉइंट कि इनको हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो ये थी आज की वीडियो मेरी, आई होप सो आपको प्रॉपर्टीज़ एल्कीन की समझ आई होंगी, हैलोजन के साथ रिएक्शन समझ आएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक